हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। फ्रेंड्स, आज जो है हम अपने तुलसी के प्लांट को हरा भरा और घना बनाने जा रहे हैं। विंटर की डोरमेंसी के बाद हमारे तुलसी के प्लांट की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो गई है। ये बड़ा लेगी टाइप का हो गया है, तो इसको ठीक करेंगे। देखिए, साथ में टेढ़ा भी हो गया है। जो काम आज मैं करने जा रही हूँ, आप जो है पूरे मार्च भर खूब आराम से कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्टेप यही लेंगे कि जो भी इसमें जंगली पेड़ पौधे वीड लगी है उनको हटा करके कंपोस्टिंग में डाल दीजिए और जो मतलब का प्लांट है उसको कहीं और ग्रो कर लीजिए। स्टेप टू जो है, इसमें जो मंजरी यानी कि फूल लगे हैं उनको हटा दीजिए। इन फूलों की वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ स्लो हो जाती है। हमें जो है प्लांट हरा भरा और घना बनाना है, तो इसके लिए ये सब स्टेप उठाने ज़रूरी हैं। थर्ड स्टेप में आप देख रहे हो मेरा प्लांट टेढ़ा हो गया है, तो मुझे इसको सीधा भी करना है, बुशी बनाना है। ये जो है हर नोड एरिया के पास से देखिए छोटी छोटी दो दो पत्तियां निकल रही हैं। ये पत्तियां जो हैं आगे जा कर के स्टेम्स में कन्वर्ट हो सकती हैं अगर मैं इसकी प्रूनिंग कर दूँ तो, और नहीं तो दोस्तों ये छोटी छोटी स्टेम्स रह जाएंगी। तो प्रून करने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर जितनी मेरी देखिए टेढ़ी हुई है ब्रांच, इसके इसको पास से जहाँ से पत्तियाँ निकली हैं ना, उसके एक इंच दूर से मुझे प्रून करना होगा। बिल्कुल पास से मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों धीरे धीरे कई बार वहाँ से प्लांट सूख जाता है और जो नई नई पत्तियों का सेट निकला है वो भी मर जाता है। तो उसको एक इंच दूरी से काट दीजिए। ये अब जो है जो नई नई पत्तियां जहाँ से निकल रही हैं यही डाली जो है ऊपर सीधी होके जाएगी, तो मेरा टेढ़ा प्लांट भी सीधा हो जाएगा। इसके बाद इसमें जो भी देखिए कहीं कोई डाली बहुत लंबी जा रही है तो ऊपर जो दो पत्तियों के सेट हैं उसको हटा दीजिए। सर्दियों की जो भी पर्पल कलर की ब्राउन कलर की पत्तियां हैं, पीली हैं, उन सबको बिल्कुल हटा दीजिए। ये चिंता मत करिए कि पत्तियां कम होंगी, खराब पत्तियों को बिल्कुल हटा दीजिए हाथ से ही। साथ में मिट्टी की गुड़ाई भी कर दीजिए, बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों। जितना भी इसमें कंकड़ पत्थर कुछ भी आगे गंदगी दिख रही है वो सब हटा करके नीट एंड क्लीन कर दीजिए इसको। इसके ऊपर से थोड़ी मिट्टी निकाल सकते हो। हम जो है इसको फर्टिलाइज करेंगे, तो इसके नीचे तुलसी के प्लांट के नीचे मेरा कोई भी गार्डन वेस्ट नहीं है, डायरेक्ट मिट्टी भरी हुई है, तो ये दबेगी नहीं मिट्टी ज़्यादा। तो ऊपर से मैंने मिट्टी खाली कर ली है। इसको फर्टिलाइज करने के लिए आप कई चीज़ें डाल सकते हो। आपके पास कंपोस्ट है तो वो भी डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, या ये हम जो डाल रहे हैं वो दोस्तों गोबर की खाद है। तुलसी के लिए मुझे लगता है यही सफिशियंट होगी। तो कम से कम मैंने जो है इसमें दो तीन मुट्ठी अंदाज से गोबर खाद डाल दिया है और पानी दे रहे हैं। फुल सनलाइट में ही रहेगी इसको जो है, आप फुल सनलाइट में रख सकते हो तुलसी को। अप्रैल भर मई जून में ग्रीन नेट के नीचे रखना। मैंने जो है फरवरी में अपनी तुलसी के संग कुछ काम किया है, वो आपके संग शेयर करते हैं उसकी पोजिशन क्या है। फरवरी में ही मैंने इसमें वर्क कर लिया था, तो इसके बाद भी देखिए इस तरीके की बराबर से मंजरी यानी फूल आ रहे हैं। इनको आपको बराबर रेगुलर बेस पर हटाते रहना है। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर चेक कर लीजिए प्लांट को, जो भी इसमें इस तरीके का है इन सबको हटा दीजिए। ये साथ में आप इसकी चाहो तो कोई बहुत लंबी सी टहनी हो रही है, स्टेम्प हो रही है, तो उसको भी आप इसी स्टेप में ही जो है पिंच कर सकते हो। जहाँ से वो दोस्तों पिंच करोगे वहाँ से दो आपकी टहनियाँ आएंगी। ये देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ से जो हूँ ऊपर से देखिए मंजरी बन रही, इसको यहाँ से तोड़ दिया है हमने। इससे पहले जब मैंने प्रूनिंग करी थी तो मैंने यहाँ से तोड़ा था, ये देखिए यहाँ से दो स्टेम्स निकल रही हैं। तो इस तरीके से आपका प्लांट जो है बुशी बनता जाएगा, घना बनता जाएगा। 21 से 30 डेज में एक बार हल्की सी गुड़ाई कर देना प्लांट को। पानी बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना डालिए कि जब मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट रहे, जब आपको ऊपर की लेयर सूखी दिखने लग जाए तब पानी डालना, क्योंकि तब भी नीचे की लेयर जो है गीली रहेगी। प्लांट को साफ सुथरा रखोगे तो कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, और थोड़ा सा खुली हवा में रखिएगा, बहुत सारे प्लांट्स के बीच में घुसा करके मत रखिएगा। नेक्स्ट, ये वाली क्लिपिंग जो आप देख रहे हो ये दोस्तों 4 मार्च यानी कि आज की है। ये मेरा अपडेट के साथ का वीडियो है।
इसमें भी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे प्लांट जो है ग्रो हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के संग, तब तक के लिए गुड बाय।